नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एक परिवार को 15 लाख रुपए का अधिकार भी देगी। हम हरियाणा में 2 लाख युवाओं को बिना किसी आवेदन शुल्क के रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपसे आपके विधायक प्रत्याशी के बारे में पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने अपने गुंडे खोल दिए हैं और साथ ही ये भी कहा कि सरकार आ रही है, पहले अपनी जेबें भरेगी। ये हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा, एक परिवार को 15 लाख रुपए का अधिकार ये देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाई, हमने ये भी संकल्प किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार युवाओं को हरियाणा प्रदेश में 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैं असंध की सरदारी के बीच में आया हूं, मेरी मातृशक्ति भी बैठी है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, आपके यहां के विधायक भाई जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, गुंडिया खोल ली उसने, कहने लगा कहा जी सरकार आ रही है और सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूंगा। आपके ध्यान में है क्या कांग्रेस की नीति? ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं, ये ठीक नहीं है ना? 8 तारीख को वोट की चोट से 5 तारीख को कांग्रेस को इस बात का जवाब देना है। भाइयों, जो मन से बोलते खुलेआम बोलते कि सरकार बिना घपले के नहीं चलती, घपले तो करने पड़ते हैं। भाइयों, जो ये बात बोलते जो मेरे नजदीक है फिर उनका घर भरूंगा, अरे जनता कहां जाएगी? और जब ये बात राहुल बाबा को पता लगी कि हमारे प्रत्याशी ने ये घोषणा किया, सबसे पहले राहुल बाबा अपना तामझाम उठाकर अपने जीजे को गेल लेकर के यहां संत में आ गया। भाइयों, ऐसी कांग्रेस से बचियो, मैं आप लोगों को यह निवेदन करने के लिए आया हूं। अरे जिन लोगों ने इस देश और प्रदेश को लूटने का काम किया है, अब भी वो भूखे बैठे हैं, अब भी उनकी जो सोच है वो सामने आई है कि 8 तारीख के बाद हरियाणा को नोचने का काम करेंगे। क्या आप लोग नोचने देंगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता, अरे जोरदार हाथ खड़े करके बताइए, क्या कांग्रेस को नोचने देंगे? ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम आप लोग करेंगे और यहां से कमल का फूल खिला करके हर असंध के विकास में एक गति से काम करने का कार्य हमारे योगेंद्र और डबल इंजन की सरकार यहां पर करेगी, इसके लिए हमने काम करना है। भाइयों, हुड्डा साहब बोलते रहते हैं, हिसाब मांगते रहते हैं, कहा हिसाब दो। मैंने उससे एक दिन पूछ लिए, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, मैं कहा हुड्डा साहब आप 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। 4 महीने हो गए, एक भी क्वेश्चन का उत्तर हुड्डा साहब ने नहीं दिया। सेसा डेरा सच्चा दौरा सौदा प्रमुख राम रहीम को 20 दिन की फिर से पैरोल मिली है। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पैरोल के कुछ नियम होते हैं और ये नियम के हिसाब से ही पैरोल दी होगी। इस पर विपक्ष के सवाल उठाने पर विज ने भी कहा कि फिर से विपक्ष नियमों को तब्दील करवा दे। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के अम्बाला आने पर शायराना अंदाज में कहा कि बहुत शोर था राहुल आएंगे तूफान लेकर, लेकिन वो आए भी और एक पत्ता भी नहीं हिला। आपको बताते चले कि राम रहीम की पैरोल पर विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नियम के हिसाब से ही पैरोल दी जाती है और उसी के हिसाब से पैरोल दी गई है। साथ ही राहुल गांधी के दौरे पर उन्होंने तंज कसा कि ऐसी हवा चल रही थी कि राहुल गांधी आएंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और साथ ही राम रहीम की पैरोल पर विज का बयान सामने आया और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि
राहुल गांधी आए भी और एक पत्ता भी नहीं हिला है। दरअसल आपको बताते चलें कि राम रहीम को पैरोल दे दी गई है, जिसके बाद में लगातार कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो जब विज से ये पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि नियमों के हिसाब से ही पैरोल दी गई है, और वहीं राहुल गांधी के यात्रा पर भी, पदयात्रा को लेकर उन्होंने भी बोला। उन्होंने कहा कि लगातार हवा चल रही थी कि राहुल गांधी आएंगे तो बहुत सारे बदलाव होंगे और बहुत शोर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत शोर था राहुल गांधी आएंगे तूफान लेकर, वो आए भी और चले भी गए, एक पत्ता भी नहीं हिला। बहुत अच्छा, आज से पहले कभी भी इतना उत्साह लोगों में देखने को नहीं मिला। वो पैरोल के नियम है, नियमों के मुताबिक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हरियाणा परिवर्तन यात्रा का दूसरा दिन है। हरियाणा परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ से हुआ है, और राहुल गांधी यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जून के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे थे, जहां सबसे पहले बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक पर राहुल गांधी पहुंचे, जहां उनका हजारों की संख्या में समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने खुली गाड़ी में सवार होकर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है। इस दौरान राहुल गांधी ने बहादुरगढ़ के मशहूर पकौड़े का स्वाद भी चखा। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी बनाकर राहुल गांधी का स्वागत किया है। इस मौके पर बहादुरगढ़ शहर के व्यस्तम चौराहे पकौड़ा चौक से राहुल गांधी का रोड शो शुरू हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। आपको बता चलें कि हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे थे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर राजेंद्र सिंह जून के लिए रोड शो किया गया। हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे। राहुल गांधी ने दौरा किया और उन्होंने पकौड़ा चौक से अपनी रैली की शुरुआत की, जहां पर जनता का सैलाब देखने को मिला। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, रोड शो किया, राजेंद्र सिंह जून के लिए ये रोड शो करते हुए नजर आए और लोगों का अभिवादन भी किया। आपको बताते चलें कि लगातार राहुल गांधी जनसंपर्क कर रहे हैं। खबर जींद से है, जहां पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्यालय पर पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सांसद चंद्रशेखर आजाद को वायु श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध है, उसके बावजूद पर्याप्त सुरक्षा वहां पर मौजूद नहीं थी और उनके साथ में हुई घटनाओं को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमला हुआ था और उस वक्त भी मौजूदा एसपी भी जिले में तैनात थे और मौजूदा एसएचओ उचाना में तैनात थे, इसलिए विधानसभा के अनुसार अन आईपीएस से निगरानी करवानी चाहिए। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा, पुलिस मामले की जांच कर रही है, हमले के तमाम वीडियो फुटेज उनके पास में उपलब्ध है। वहीं जसपा नेता दुष्यंत ने कार्यकर्ताओं से संयम रखने की अपील की है। सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि प्रदेश भर में इस चुनाव प्रचार को फिर अच्छे तरीके से पिछले 30 दिनों से संभालने का काम किया है, और सबसे निवेदन है 3 दिन शेष प्रचार के हमारे आगे बाकी है, और एक दिन विशेष 5 तारीख जहां मत डलवाना जरूरी है। सभी साथी दिन रात एक करके जननायक जनता पार्टी के लिए, आजाद समाज पार्टी के लिए मैदान में उतरे। बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने मेवात में मानन खान द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान की कड़ी निंदा की है
और ये भी कहा कि प्रशासन को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को घेरते हुए कहा कि ये बयान मामून खान अपनी पार्टी को के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर बोल रहे हैं। पहले भी मेवात में इस नेता द्वारा शांति और सद्भाव बिगाड़ा गया था। वहीं प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने वाले ऐसे लोगों का बीजेपी सरकार बनने पर भी इलाज किया जाएगा। जबकि बीजेपी हमेशा देश में शांति व्यवस्था सद्भावना के साथ भाईचारे को बढ़ाने का काम करती रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा के मुस्लिम समुदाय के गांव में आजादी के बाद से रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य बीजेपी सरकार ने कराए हैं। बीजेपी सबका साथ सबका विकास और सभी के विश्वास को लेकर कार्य करती है। और विकास को गति देने का काम करना है और विकास को बढ़ावा देना है। हमने काम किया है, वो अपने काम बता दें, उन्हें काम किया तो वो बता दें 10 साल में क्या किया क्या नहीं किया। हमने 10 साल के जनता के सामने अपना हिसाब दे रहे हैं, वो अपना हिसाब बताएं 10 साल में क्या किया क्या नहीं किया। सर, मामून खान के बयान की निंदा की है आपने, क्या कहेंगे आप इस तरीके के भड़काऊ बयान का? मामून खान ने बयान दिया है, ये इससे शर्मिंदा महसूस करते हैं। जिस तरह का मामून खान ने भाईचारे जिनने सबने मिलकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, और इस तरह का बयान देना मामून खान के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकालें। इससे आम आदमी का भाईचारा खराब होता है, रिश्ते नाते खराब होते हैं। ऐसे लोगों का ये कांग्रेस में रहकर इस तरह का बयान देते हैं, इससे आम आदमी की दूरियां बढ़ती हैं और दूरियां क्या है कि इस तरह के बात ठीक नहीं। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम द्वारा एक बार फिर से पैरोल के लिए आवेदन करने का मामला सामने आया है। रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने, आपको बताते चले कि चुनाव आयोग को पत्र लिखा और कहा कि राम रहीम की पैरोल की अर्जी को खारिज किया जाए। राम रहीम संगीन अपराधों का दोषी है, आचार संहिता के दौरान उस पर रोल देना ठीक भी नहीं है, क्योंकि राम रहीम हरियाणा में चुनाव को प्रभावित कर सकता है। भिवानी जिला के बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कपूर वाल्मीकि के समर्थन में आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, मंदिर निर्माण कार्य सहित धारा 370 हटाने का कार्य किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश में आतंकवाद बढ़ाने का कार्य किया। कांग्रेस के 60 से 65 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, अराजकता और बेईमानी का राज रहा है। भारत का पैसा स्विस बैंकों में पहुंचा, कांग्रेस के लिए देश प्राथमिकता कभी नहीं रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भवानीखेड़ा के खरक में बीजेपी प्रत्याशी कपूर वाल्मीकि को जिताने की अपील की है। आपको बताते चले कि मामला भवानीखेड़ा से है। भवानीखेड़ा दौरे पर सीएम पहुंचे थे और वहां पर कपूर वाल्मीकि ने समर्थन भी किया। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि भवानीखेड़ा से हैं, कपूर वाल्मीकि का यहां पर समर्थन करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला भी बोला है। आपको बताते चलें कि लगातार जनसंपर्क अभियान जारी है, रैलियों का दौर जारी है, प्रचार अब थमने वाला है। उससे पहले ही सभी प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो रैलियां जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे और इस दौरान भवानीखेड़ा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोलते नजर आए हैं। आपको देंगे बैनर भाइयों, इन बदनसीबों के कारण पूछो ना इन लोगों से क्या कर रहे थे। इनके कारण यूपी में हर तीसरे दिन दंगा होता था। आज मुझे 3.5-7 वर्ष से मैं उत्तर प्रदेश में हूं, डबल इंजन की सरकार यूपी में है। बहन और भाइयों, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं। दंगाई या तो जेल में है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। यूपी में दंगा नहीं होता है और यही पीड़ा कांग्रेसियों को है।
कांग्रेसियों की पीड़ा इसी बात को लेकर के है। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में पहुंचा है और कांग्रेस ने सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को फर्लो देने का विरोध किया है। साथ ही आपको बताते चले कि चुनाव आयोग को शिकायत भेजी गई, चुनाव को प्रभावित करने की आशंका जताई गई। शिकायत में कहा गया कि हरियाणा में राम रहीम को फॉलोवर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और राम रहीम को पैरोल मिलने से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। समालका से कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इसको लेकर एडवोकेट जनरल बलदेव राय महाजन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने धर्म सिंह छोकर को जो है वो समर्पण करने के लिए निर्देश दिए, समर्पण नहीं करने पर पुलिस को धर्म सिंह छोकर को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है और याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में धर्म सिंह चौक पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कमिश्नर धर्म सिंह चोकर के खिलाफ डिवीजन बेंच के पास हियरिंग के लिए आई थी, जिसमें उसने सीरियस एलिगेशन लगाई गई थी। धर्म सिंह एक सिटिंग एमएलए है और दोबारा रिकंटेस्ट भी कर रहा है इलेक्शन, जिसके खिलाफ नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड है, ईडी की कार्रवाई भी चल रही है, नॉन बेरेबल वारंट्स भी जारी किए गए हैं, और लेकिन वो ओपनली कन्वेसिंग कर रहा है अपने इलेक्शन के लिए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो वहीं हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष लोहान ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी 90 विधानसभाओं में 20,600 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 144 मॉल बूथ होंगे, जबकि 115 पिंक और साथ ही 87 दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेब टेलीकास्ट किया जाएगा। जी, 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार सीओ हरियाणा की दिशा मार्गदर्शन में हमने पूरी तैयारियां की हैं। सभी 90 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 5 अक्टूबर को 20,600 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा। इनमें से 144 मतदान केंद्र जो हमारे मॉडल बूथ रहेंगे और 115 जो हैं वो पिंक बूथ रहेंगे, जिन पर कि पूरा स्टाफ इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो महिलाएं होंगी, तथा 87 हमारे ऐसे मतदान केंद्र होंगे जिन पर हमारे जो दिव्यांगजन साथी हैं वो लोग वहां पर पोलिंग पार्टीज के रूप पर कार्य करेंगे। इसके अलावा जो पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग है, ईवीएम्स की तैयारी है, पोस्टल बैलेट, बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग है, ये सारे कार्य दिशा निर्देश अनुसार पूरे कर लिए गए। सोहना से बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सोहना से बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर सीधे और सच्चे व्यक्ति हैं, ये घुमा फिराकर बात नहीं करते हैं, सीधी बात करते हैं। आगामी 5 अक्टूबर को तेजपाल तंवर के पक्ष में वोट करें, वे अगले 5 साल आपकी सेवा करते रहेंगे। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी आप और कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पंजाब में क्या हालात कर दिए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, यही हालात कांग्रेस शासित राज्यों का भी है, जहां चुनाव से पहले कई लोक लुभावनी घोषणाएं की गई लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ पहले से बदतर हो चुका है। मोदी जी की पूरी लहर है, मोदी जी ने इसमें काम 10 सालों में किया और डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के आकर्षण में जो यहाँ काम किया है, हरियाणा की जनता जिसका आकलन कर रही है उसकी तुलना भी कर रही है कि 2014 से पहले यहाँ कैसा शासन होता था, कैसा भ्रष्टाचार होता था, भाई भतीजावाद होता था, परिवारवाद होता था, किस प्रकार से बच्ची खर्ची का सिस्टम चलता था, किस प्रकार से जमीनों की लूट होती थी, किस प्रकार से घोटाले होते थे। जनता उस शासन को फिर से दोबारा नहीं लाना चाहती है। वो जो एक चीज पीछे भ्रष्टाचार का दलदल, परिवार का दलदल है, उस दलदल को वही दलदल में छोड़ दिया है, इसलिए विकास की तरफ यहाँ हरियाणा आगे बढ़ गया है और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की। आज आप सोना में आए तो सर दिखाई दे रही सर, आपको तकलीफ होने वाली है, कितनी तकलीफ दी गई है? बहुत बड़े मतों से जीतने वाले हैं, आप देख रहे होंगे इतनी सायंकालीन सभा में इतना जोश है लोगों के अंदर और लोग गर्मी उत्तराखंड कैबिनेट में मंत्री सतपाल महाराज चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल के पक्ष में चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जैसी
ऊंची चढ़ाई को चढ़ने के लिए रेल को डबल इंजन की जरूरत होती है, वैसे ही हरियाणा में विकास के लिए हरियाणा को डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। सतपाल महाराज ने लोगों से अपील की कि आने वाले 5 तारीख को बीजेपी के पक्ष में वोट करें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। मैं ये कहूंगा, सबसे आग्रह करूंगा कि उनको प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए। और आपके यहाँ तो ये जो भव्य हम सभागृह देख रहे हैं, ऐसा तो मुझे पेरिस में और वहाँ वर्सेई में देखने को मिला, तो आपने पेरिस को ही यहाँ ला दिया है। तो अच्छे व्यक्तियों को हम चुनेंगे तो ये निश्चित रूप में विकास हो जाएगा, पेरिस बन जाएगा। तो निश्चित रूप में विपुल गोयल जी को जिताइए, कमल को खिलाइए। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं कांग्रेस के जो नेता है वो कोटा सिस्टम से नौकरी देने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? चलिए, अब ये तो वो अपना विषय है, और हमारा जो एजेंडा है, हम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और सबको साथ लेकर के मोदी जी चलेंगे। आज सतपाल महाराज जी आए हैं और लोगों में बहुत उत्साह है, और वो जन बहुमत की जीत का आचार आशीर्वाद देकर गए हैं। उनकी जो संगत अनुयायी है आज हजारों की संख्या में उपस्थित है, और उन्होंने प्रण लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय कराए। अच्छा, आप अपना काम गिराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के लीडर धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि पेंशन कटवा देंगे अगर बोलोगे तो। देखिए, उनका जो आचरण है, उनकी जो जिस तरीके की उनकी ग्रूमिंग है वो लोगों के सामने दिख रही है, उनका जो आचरण ही इस तरीके का है, धमकाना और गुंडागर्दी उनकी नियति है, तो उसी के अंदर कर रहे हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते लोगों की सेवा करते आए हैं, करेंगे, यही हमारा संकल्प है। तिगांव से बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर जनसंपर्क के दौरान अमीपुर गांव पहुंचे। अमीपुर गांव पहुंचने पर बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर का युवाओं ने गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया, और अमीरपुर की सरदारी ने राजेश नागर को गदा भेंट किया। सिक्कों से नागर को तोलकर भारी मतों से जीत करने का आशीर्वाद भी दिया है। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जो प्यार मान सम्मान उन्हें लोगों से मिल रहा है, उसका वो सदैव जो है वो रेडी रहेंगे। चिलचिलाती धूप में मैंने सभा रखी, समय था 6 बजे का, 2 बजे से लोग आने चालू हो गए, ऊपर टेंट भी नहीं था क्योंकि 6 बजे का टाइम था। मैंने कहा 6 बजे तो छाया हो जाएगी टेंट की ड्यूटी में, 2 बजे लोग आ गए, पूरा खचाखच भर गया, जितने लोग अंदर थे उतने बाहर, वो तो रोक लगा दी खींचने पर, रोकने में लग रहे भाई आदमी में जाओ, फिर भी थे, जनता आ गई वहां। और वहां मैंने अपने मुख्यमंत्री के सामने स्टेज से कहा था, मुख्यमंत्री जी कुछ अधिकारी तो आपके अच्छे हैं और कुछ अधिकारी लापरवाही करते हैं, काम नहीं करते, भोली वाली जनता को बहलाते हैं और घुमाते हैं और फुसलाते हैं, उनको आज ही चंडीगढ़ ले जाओ कहा था। आई राजेश नागर, भाई राजेश नागर, हरियाणा का गवर्नर सर भाई राजेश नागर। लास्ट वीडियो में इतना ही, नमस्कार।